अच्छा है, लेकिन जैसे उन्होंने पहले बताया, सारी बातें फिल्म के अंदर दी नहीं जा सकती। शायद कितनी हिंसा हुई, कितनी वायलेंस हुई, उसमें कौन कौन लोग जिम्मेदार थे और कितने लोग, जिसको हम बोलते हैं इनोसेंट, बिल्कुल निर्दोष लोग थे, उन्होंने भी कितना सफ़र किया। ये बहुत बातें ऐसी हैं, इसके बारे में तो बहुत लोगों को मालूम भी होगा। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार ने उसमें एक कमीशन बैठाया था, कमीशन ने भी अपनी इसमें रिपोर्ट दी है, लेकिन वो कमीशन की रिपोर्ट भी ज़्यादा भरोसे करने लायक नहीं है। आप वहाँ जाएंगे, पता लगाएंगे। मेरे बहुत बातें मुझे मालूम है, लेकिन मैं उसको बताना ठीक नहीं है इस मौके पर। मैं पहले, जैसे मैंने कहा, मैं उस समय एक पुलिस अफसर था, पहले पुलिस अफसर हूँ, बाद में पॉलिटिशियन हूँ। तो पहले मैं समाज को, समाज खुश रहे, समाज जो है सब सुरक्षित रहें, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इंसानियत का मतलब है वही है, धर्म वही है जो सबको सुरक्षित कर सके, और हम उसमें फेल हो गए। और ये सबसे बड़ा जो काम है, देखिए, किसी भी समाज के अंदर, किसी भी समय, किसी भी एज में गुंडे भी रहते हैं और अच्छे लोग भी रहते हैं। कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, कभी कम, लेकिन ज़्यादातर लोग अच्छे ही हैं समाज के अंदर। तो कुछ लोग जो गड़बड़ करते हैं, मान ले किसी ने, जब ये शुरुआत हुई थी, किसी ने इसको गड़बड़ किया, अगर उन गड़बड़ करने वालों को, मुश्किल से दो चार लोग थे उनके खिलाफ से एक्शन हो जाता, इमीडिएट अगर एक्शन हो जाता। वैसे तो एक का ही नाम था पहले, जहाँ से शुरुआत हुई, अगर उसको लेके जाएंगे, अगर उसके खिलाफ इमीडिएटली तुरंत जो है एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन लेता, तो बात आगे नहीं बढ़ती। अगले वाले स्टेज पर आने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक काम करता तो नहीं, इतना नहीं होता। तो बात बहुत हैं, लेकिन समाज में जिस प्रकार से इतना भेदभाव जो बढ़ता जा रहा है, और मजहब के नाम पर हमारे जो, चाहे वो राजनेता हों चाहे धार्मिक नेता हों, जब उन राजनेताओं को, धार्मिक विशेष रूप से धार्मिक नेताओं को जब स्टेज पर बुलाओगे, आज यहाँ खड़े करते हैं ना बुला करके, इस फिल्म के उस पर भी सारे यही बोलते हैं, सब धर्म ठीक है, सब धर्म सच्ची बात करें, सब धर्म बराबर है जी। तो स्टेज पर वो अलग अलग नकली बातें करते हैं, और स्टेज से उतरते वो बदल जाते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है, और ये बताने की ज़रूरत है कि भाई धर्म में और मजहब में बड़ा फ़र्क है। धर्म जो है वो इंसानियत है, मजहब ये लोगों ने बनाया हुआ है। मैं तो बहुत बार बोलता हूँ कि मजहब मीन्स रिलीजन, रिलीजन इज लोकल एंड धर्म इज ग्लोबल। जो ग्लोबली सबको कंट्रोल करता है, ग्लोबल सबके लिए यूनिवर्सल है, वही असली धर्म है, वही इंसानियत है। जो कुछ लोगों के लिए है, कुछ के लिए नहीं है, वो मजहब हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता, ऐसा मैं मानता हूँ। पीछे आपका एक दीवान रिलीज हुआ था पिछले साल, आपने कुछ लिखते हैं, आप बुक रिलीज की थी आपने, तो मैं कुछ फिल्मों में, जी हाँ, मैं लिखना तो चाहता हूँ, ये पॉलिटिक्स में ऐसे धंधे में फंस गया। नहीं, आपने एक बुक रिलीज की थी दो एक साल पहले, मेरी किताब का नाम ही है तलाश इंसान की, अगर आप लोग उसको पढ़ेंगे। मैंने तथा कथित जो सो कॉल्ड रिलीजन्स हैं सबके बारे में लिखा है, और बहुत अच्छी एनालिसिस भी दी है कि आदमी के लिए सुख शांति समृद्धि आदमी को कैसे मिल सकती है, और रास्ता सबसे अच्छा कौन है। तो अगर हम लोग किसी उसमें, किसी के बहकावे में न आकर के अपनी आँख और कान खोल करके रखें जो हमको सुख शांति समृद्धि दे सके। देखिए, धर्म की जो परिभाषा है, मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग बैठे या सवाल आपने पूछा इसलिए बता रहा हूँ। धर्म सबसे बड़ा वो है जो आपको इस दुनिया के अंदर पूरी तरह से आपको जो है पूरी उन्नति कर सके, आपकी पूरी प्रोग्रेस कर सके, मेटेरियलिस्टिक जिसको बोलते हैं जी। और इसके साथ साथ आपकी जो दूसरी जो आपकी इच्छाएं हैं, स्पिरिचुअल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसको भी संतुष्ट कर सके। जो 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 है मजहब जो है, आदमी आदमी में भेद करता हो, ये मेरे लोग हैं, इनको फ़ायदा होना चाहिए, दूसरों को नहीं होना चाहिए। जो लोग स्त्री और पुरुष में भेदभाव करते हैं, वो धर्म नहीं हो सकते, मजहब हो सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी उनको किताब पढ़नी चाहिए। वैसे अभी भी मैं किताब लिख रहा हूँ जी, लेकिन वो किताब थोड़ा, वो मुझे मालूम नहीं कब पूरी होगी। वो किताब मैंने लिखा है, पॉलिटिशियन के बारे में लिख रहा हूँ मैं, वो किताब लिख रहा है कि माई एनकाउंटर विद पॉलिटिशियंस बिफोर आई ज्वाइन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में आने, अभी तो मैं भी पॉलिटिक्स में आ गया हूँ, लेकिन अभी मैं पॉलिटिशियन बना नहीं हूँ जी। जी, वो लगता है पता नहीं कितना टाइम में, कुछ आजकल के लोगों को देख करके मुझे लगता है मैं नहीं बनूँ तो वही अच्छा है, तो इसमें लगेगा। लेकिन मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, 2013 के अंदर ही मैंने जितने फिल्म प्रोड्यूसर थे, काफ़ी लोग आए थे,
फिल्म डायरेक्टर्स आए थे, राइटर्स भी आए थे, सबको मैंने बुलाया था और मैंने सब लोगों से यही रिक्वेस्ट की थी, क्या हम ऐसी फिल्म नहीं बना सकते, क्या हम ऐसी फिल्म नहीं लिख सकते कि जो लोगों को जोड़ करके रख सके, जोड़ लोगों को न बांटे, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर न बांटे, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते। केवल मात्र ऐसा इंसिडेंट हुआ है, केवल इंसिडेंट को पोर्ट्रे करना, बहुत लोग बोलते हैं साहब ऐसे सच्चाई है, एक इंसिडेंट भी सच्चा हो सकता है लेकिन 100 में से मान लिया 1000 कहीं लोग रहते हों, एक आदमी ने कोई गड़बड़ कर दिया, वो सच्चा इंसिडेंट है, उसी के ऊपर पूरी फिल्म बना दें तो उसका मैसेज समाज को क्या जाएगा। हमको इसको भी सोचना चाहिए, हमको अफवाह पर न जा करके समाज इस बात को ज़्यादा चाहता है, उसके फिल्म बनाने वाले को, लिखने वाले को उन बातों की तरफ भी सोचना है। हमको भी सुरक्षित रहना है, हमारे बच्चे आगे आने जनरेशन भी सुरक्षित रहें, आगे आने वाले जनरेशन आपस में मिलकर के कुछ काम कर सकें, हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। शुक्रिया, धन्यवाद। कैप्टन लिटिल ग्लोबल ऑल्सो, चीज़ वही रहती, कुछ उस तरह से सोचा था लिखते वक्त, या यू बिलोंग टू दैट प्लेस, दैट इज़ व्हाई आपको अटैचमेंट था? नहीं, वो एक्चुअली सी, ये जो मुजफ्फरनगर 2013 का जो इंसिडेंट है, उस जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट लेके आ गए जिन्होंने पूरा डिटेल में लिखा हुआ था स्टोरी, तब मैं पूछा उनको, मुझे नहीं मालूम था मुजफ्फरनगर का इतना डिटेल नहीं पता रहता है कि ठीक है, मुंबई वाले को थोड़ा सा कम रहता है। जब बोला मैंने, मुझे बोला नहीं नहीं फिल्म बनानी है, मैं बोला कि सीरियसली बोल रहे हो, क्योंकि मेरे पुराने दोस्त है वो, तब उन्होंने बोला कि हाँ सीरियसली है, क्योंकि मुद्दा बहुत सीरियस है। तो फिर उसके हिसाब से चलने लगे हम लोग, फिर उसमें करते करते सो स्क्रिप्ट में और चीज़ें आ गया, एक चीज़ें जो एक मैसेज के थ्रू हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि सारे जो जितना भी राइड्स हुआ ये हुआ, इसको एज इट इज़ शूट किया उसी लोकेशन में, और जब शूट के लिए, जब परमिशन के लिए गए हम लोग, परमिशन नहीं मिला, बिकॉज हम लोग एक्चुअल लोकेशन में जहाँ जहाँ हुआ ये घटना वहीं किए सब शूटिंग, तो परमिशन के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स के थ्रू गुजरना पड़ा हमें। फिर भी मनोज जी एक जिम्मेदार प्रोड्यूसर के रोल निभाए वहाँ पे, वो डटे रहे हर प्रॉब्लम्स में, इसके लिए मुझे शूट करने में बहुत आसान रहा, क्योंकि परमिशन हुआ तो ऑथेंटिक लोकेशन से रियल सारे चीज़ दिख रहा है फिल्म में आज, जो आज देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये मनोज जी की वजह से हुआ, अगर कोई भी थोड़ा सा कमज़ोर आदमी होता तो वहाँ पे नहीं कर पाता। कॉन्ट्रोवर्सी इसमें देखिए, ये तो कॉन्ट्रोवर्सी लोग बनाते हैं, ये कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है एक्चुअली, जो दंगा हुआ उसको कॉन्ट्रोवर्शियल अगर हम उसको बढ़ावा देते हो तो वो कॉन्ट्रोवर्सी होना चाहिए। इसमें हमने कोई कास्ट को एक फेवर लेके नहीं बनाया, सबको बैलेंस में रखा है कि या वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी कम्युनिटी हो, उसको पैरेलल रखा है कि किसी की गलती नहीं है। कुछ लोग होते हैं जैसा सत्यपाल जी ने बताया कि कुछ लोग होते हैं, सब बंदे नहीं हैं, सबके अंदर इंसानियत है, कुछ परसेंट है, उन्होंने अपना कुछ मकसद रहता है उन पे, उनका कुछ बिजनेस होगा या कुछ वोट बैंक होगा, वो लोग इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं ताकि वोट बैंकिंग के लिए ये सपोर्टिव हो जाता है वो उसके लिए। तो उस चीज़ को हमने, मतलब ये एक गलत चीज़ है, ये हमें जो ऑडियंस है, जो पब्लिक है, जो जनता है, उनको इस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहिए, ये हमने इस पर दिखाया है। तो मुजफ्फरनगर 2013, यस यस दैट इज़ ट्रू, बट मुजफ्फरनगर 2013 में जो उसका जो आफ्टर इफेक्ट है हमने दिखाया वो, क्योंकि उसको ज़्यादा फोकस किया है। इट्स नॉट अबाउट कम्युनल क्लैशेस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो ये एक जो लोगों को ये करना नहीं चाहिए, किससे क्या नुकसान होगा क्या है, वो दिखाया है। इसके लिए हमने किसी भी कोई भी मजहब को या किसी भी कोई भी हमारे जो यूनिट में कम से कम 30% 20% मुस्लिम से इसमें, और हिंदूज भी थे, सब सब कुछ है, सब कोई भी ऐसा नहीं बोले ये सर ये ठीक है, ये वन साइडेड हो रहा है, ये है, ये कुछ नहीं है, एक इंडियन के लिए है, एक मैसेज है हर इंडियन के लिए, इसमें नो कास्टिज्म कुछ नहीं है, सब एक है। थैंक यू। Thank you so much for joining us on stage and sharing your views with all of us. I think this is going to be one really, really, really special movie.